हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होएंगे, घर पे सब सेफ होएंगे। आज आपको मैं पुदीने के बारे में बताऊंगा। ये मई के लास्ट महीना है, इसके बाद जून स्टार्ट हो जाएगा। इसमें काफ़ी गर्मी होती है, उस करके आपके पुदीने के पत्ते कुछ ऐसे हो जाते होंगे। देख सकते हैं आप, इनका ये इन पे बर्निंग आने स्टार्ट हो गया, इनके पत्ते सूखने लग गए हैं। अगर आप एक दिन भी पानी ना डालो तो कैसे हो जाते हैं ये देख सकते हैं। पत्तों पे कैसे आ रहे हैं, ये सूख रहे हैं। इन पे ने बर्निंग कहते हैं, इन पे बर्निंग आ रही है, तो इनकी केयर कैसे करनी है आपने, तो ये बताऊंगा आपको मैं। आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। इस टाइम वैसे आपने इसे जो 11 बजे की बात की और 2 बजे से पहले धूप होती है उससे बचाना है आपने, से जैसे मर्जी करके। ये धूप बहुत तेज़ होती है इस मौसम में। अब जून के मौसम में काफ़ी तेज़ धूप होएगी, आपको खुद पता है ये। और इस पर डेली वाटरिंग करनी है आपने, और इस पर जैसे मैंने ये गुड़ाई करी है इसकी मिट्टी में, आप भी ऐसे कर सकते हो। आपने हर 15-20 दिन बाद ऐसे गुड़ाई करनी है ज़रूर। उसके बाद आपने, जैसे आप अपने घर में चावल धोते हो या दाल धोते हो, उनका पानी आप वेस्ट जाने देते हो, आपने वो वेस्ट नहीं करना, वो आपने इसके अंदर डालना है थोड़ा पानी मिला के। जैसे 1 गिलास पानी निकला तो 1 गिलास में 2 गिलास सिंपल पानी मिला के फिर आपने इसमें वाटरिंग करनी है उसकी। और नीम की खली का यूज़ कर सकते हो आप, इसकी मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा। और आपने डेली इसके पत्तों को वॉश करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना वॉश करो उसके पत्तों को। और मिंट का, वैसे पुदीने का गर्मियों में बहुत यूज़ होता है, कोई चटनी बना के, किसी चीज़ में जूस शेक वेक वगैरह में आप यूज़ करते होंगे इसका। ये देख सकते हैं वैसे आप, इसके पत्ते कैसे हो चुके हैं। अब इन्हें सही तो कर नहीं जा सकता, अब इन्हें हम तोड़ देंगे, इन्हें कैंची से हम कट कर देंगे, तो इसकी नवी ग्रोथ स्टार्ट होगी। अब इन्हें धूप से बचाना है आपने। और ये अपना मिट्टी में अपने नीचे जड़ें स्टार्ट कर देता है। आपने एक इसकी कटिंग लगाओगे तो उसकी जड़ जब स्टार्ट हो आती है, तो ये देखिए नीचे से इसकी मिट्टी में इसकी जड़ स्टार्ट हो आती है फैलना। ये देखिए, हमने बस ये ओनली ये लगाया था हमने कटिंग से, ये साइड में जितना भी है ये भी है, ये भी अपना आप आया इसमें। इसकी रूट बॉल काफ़ी बड़ा होता है तो नीचे मिट्टी में फैलता है। ये देखिए निकल के आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, और ज़्यादा कुछ इसकी केयर नहीं है। आप इसमें फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, गाय का गोबर का यूज़ कर सकते हैं, पूरा डिकम्पोस्ट होना चाहिए वो। आप इसमें 15 दिन या 20 दिन छोड़ के यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में वैसे कमी करिए, गर्मी ज़्यादा हो रही है, वो भी गर्म होता है। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।